जी तो जहाँ से मैंने ब्लॉग कल वाला जो था वो फिनिश किया था, तो वहीं से मैं नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखें एयरपोर्ट दोहा का कितना नाइस है, तो मैंने सोचा कि यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों को साथ साथ दिखा दूँ कि बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है एयरपोर्ट। तो अभी मैं आगे भी ऊपर जा रहे हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं ऊपर से। कल वाली वीडियो तो वहीं मैंने ऐड कर दी थी, मैंने कहा आज की वीडियो मैं यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। जिन्होंने देखा हुआ उनको तो ऑलरेडी पता होगा कितना खूबसूरत है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा हुआ उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि दोहा एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है, इतना साफ, इतना क्लीन और इतना नाइस। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगे, साफ हो, तारीफ़ के काबिल हो, मैं कहती हूँ कि ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए। तो बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है। ये देखें यहाँ पे हर तरफ आपको साफ़ सफाई नज़र आएगी। हमारे अभी हैं जाने में, हमारा गेट नंबर आ गया। हमारा यहाँ पर 6 आवर का स्टे था दोहा में, तो अभी हमारा गेट नंबर आ गया, तो बस हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। तो मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों के लिए वीडियो जो है ना यहाँ से बना लेते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पे देख के आए थे ये चपाती और कढ़ाई, तो मैंने थोड़ा सा ब्लॉग भी बनाती हूँ। ये दोहा मार्केट, ये दोहा एयरपोर्ट पे है, अगर आप लोगों को कुछ को नहीं पता तो। यहाँ पे और शॉप्स भी हैं ढेर सारी, तो देख सकते हैं आप। यहाँ पर ज्वेलरी की ये वाली शॉप है, परफ्यूम्स की भी हैं शॉप्स। ये ब्यूटीफुल, ये देखें 3D लग रहा है, वाओ वेरी नाइस, रियल है होल पर 3D इतना खूबसूरत लग रहा है, वाओ माशाल्लाह। ये देखें गाइस, अगर आप लोगों ने यहाँ पे नहीं देखा हुआ तो जब वहाँ एयरपोर्ट पे आते हैं तो ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर अगर आए हैं आप लोग तो वहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ चपाती, तो वहाँ पे आप देखें ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे देखने वाली है। तो ये कड़क और चपाती एंड कड़क की बात कर रही हूँ, वेरी नाइस। हम लोगों ने पहले खा लिया कुछ, अभी कुछ दिल नहीं कर रहा, वैसे मैंने बताया कि तबीयत भी ठीक नहीं है तो इसलिए कुछ खा नहीं रहे। हमने कहा एक्सप्लोर तो करते हैं ना कुछ। ये देखें माशाल्लाह, वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल। हाँ इनसे हम एक बार पता करते गाइस, इन्होंने पूरी कोशिश की मिनी कोलोसियम बनाने की, एंड आई डिडंट रियलाइज अंटिल ज़ीशान टोल्ड मी। वो जो रोम में था है, नो दिस वन लिटिल वन इन लाइक वेरोना एज़ वेल, आई थिंक दिस वन इन वेरोना एज़ वेल, इट्स लाइक अ कोलोसियम, दिस लुक्स नाइस तो वेरी नाइस। तो वो देखो ना उधर जो कहते हैं बैठने की जगह होती है साइडों पर, दरमियान में वो होते हैं लोग, पता दिखाते हैं कई दफ़ा वो, मतलब लोग लोगों ने बनाया हुआ था कि दरमियान में छोटी, पाकिस्तान में भी ऐसी हेयर स्टाइल है, लेकिन ये रेस्टोरेंट है ना। हाँ वही तो कह रही हूँ, उस तरह का रेस्टोरेंट का बनाया हुआ है, कड़क से लेके हाँ, फूड लोग बैठ के खाएंगे जाके सारा। आई नो वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। जी तो आज का वेदर देख ले कितना अच्छा है, धूप निकली हुई है, यकीन करें मेरा इतना दिल कर रहा है कि मैं इधर बैठ के धूप सेकूं, लेकिन अभी फ्लाइट हमारी उड़ने लगी है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए। तो लेकिन यहाँ वेदर बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में इंशाल्लाह धूप होगी। उड़ गई है अल्लाह तआला।
में जो है फूड था और ये मेरी प्लेट है और ये मोम की है। इसकी वजह मैं बताती हूँ गाइस आप लोगों को, ये देखें कैसे मैंने ये 2-3 मिनट के अंदर मैंने खा लिया। इसकी वजह ये है कि पीछे वाला खाना मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि उनका इतना बेकार था कि खाने के काबिल नहीं था और अंदर से भी थे खाने को इतने एग्जैक्टली सारी रात के सफर में भूखे तो अभी इनका खाना इतना कॉफियों पे हमारा वो सिस्टम चल रहा था और तबीयत भी इतनी खराब थी, गरम गरम इनका खाना इतना नाइस और टेस्ट हमारे वाले और ये चिकन है, चिकन फिश एंड दाल वेजिटेरियन, फिश एंड वेजिटेरियन जो है दो और वेरी नाइस एक्सीलेंट सर पानी की बोतल हालांकि और ये 10 out of 10 ये अभी शो कर रहा है 1 hour 15 minutes टू यहाँ पर शो कर रहा है इस्लामाबाद में कि हम जाते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान पहुँच गए थे, तो जब हम पाकिस्तान आए हैं तो हमारा इरादा था कि हम इस्लामाबाद जब एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो उसके बाद हम रात का खाना जो है मुनाल में खाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो लेकिन ये कि जैसा कि पहले पिछले क्लिप में मैंने बताया कि खाना इतना अच्छा था, इस वाली जो फ़्लाइट थी इनका खाना इतना अच्छा था कि वो थोड़ा सा खाना खा के हमारा इतना मूड अच्छा हो गया था कि हमारा यानी कि खाना खाने की हमें गुंजाइश नहीं थी बाहर जा के। तो एक ये वजह थी और दूसरी ये वजह थी कि जैसे सारे रास्ते पे मुझे बुखार चढ़ा, कश्यप को भी बुखार में, हम लोग बस ऐसे ही बस बहुत तबीयत ख़राब थी। तो अभी माशाल्लाह से फ़ाइनली पाकिस्तान पहुंच गए थे, एक दो काम थे वो करने के लिए अभी निकले थे, नेक्स्ट डे की बात है ये, तो कुछ काम थे वो करने के लिए निकले हुए थे। यहाँ पर कुछ बैंक में कार्ड वगैरह का थोड़ा सा मसला बना हुआ था, वहाँ पर वो काम करने वाले थे, ये उधर गए हुए थे। तो वो मेरी फ्रेंड भी हैं यानी कि काफ़ी जानने वाले हैं, तो वहाँ पे उन्होंने हमारे लिए लाइक उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था कि हम मंगवाते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें पता भी चल रहा था, मैंने कहा हमारी बहुत तबीयत ख़राब है तो हमने मतलब लाइक कुछ खाने को दिल कर रहा, तो फिर उन्होंने बस हमारे लिए ग्रीन टी वगैरह मंगवा ली थी और वहाँ पर हम बैठ के गपशप कर रहे थे और जिस काम के लिए गए थे वो काम करवाया। तो उसके बाद हमारे और बहुत से काम थे लेकिन तबीयत इतनी ख़राब थी कि कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था, यकीन करें। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब थी। तो जी ये जो हैं गिफ्ट उम्रे के हैं, ये हो तो लेट गए हैं लेकिन आपको पता है कि मैं उम्रा करके आई थी पिछले साल ही, तो ये अभी पड़े हुए थे मेरे पास इसी तरह गिफ्ट, क्योंकि मैं पाकिस्तान उसके बाद मैं अभी आई थी, तो वो फिर मैंने सारे निकाले थे, मैंने कहा चलें अब जिस जिस के हिस्से में जो कुछ आता है ना वो उनके गिफ्ट जो है ना उन सबको दे देती हूँ। तो मैंने कहा चलें छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ आपके सामने। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम पहले जाने लगे थे ज़ीशान के दादा अबू की खैरियत पता करने के लिए जाने लगे थे और रास्ते में ये हमें ताजमहल नज़र आया, तो हमने सोचा कि चलें खाने का भी टाइम हो रहा है, तो थोड़ा बहुत खाने को दिल तो नहीं कर रहा था, वही हुआ था हमारे साथ जा गए हैं उधर, तो खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं किया क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी कि आपने सोचा बहुत ही तबीयत ख़राब थी। ऊपर तो हमारा शायद धूप ही हो, अंदर बैठे ऊपर ऊपर धूप होगी, धूप होगी, गर्मी लगे या नीचे ही बैठते, इधर बैठते। तो जहाँ
वहाँ पर आपने देखा कि हमने खाना कितना मंगवाया, बिल्कुल थोड़ा खाना मंगवाया। हम पूरी फैमिली थे, इसके बावजूद हमारे से वो थोड़ा सा खाना मंगवाया कि तबीयत इतनी ख़राब थी और सारा खाना थोड़ा सा खा के बस मैं कहती हूँ कि टेस्ट ही किया है, और साथ ही हमने वो खाना पैक करवा दिया। तो ये मार्की थी, यहाँ पे होटल भी था, मार्की भी थी, क्योंकि यहाँ पे नीचे किसी की बारात थी। आप देख रहे हैं यहाँ पे फूल वगैरह उन्होंने रखे हुए थे वेलकम करने के लिए। तो वो थोड़ा सा मैं यहाँ से क्लिप लिया था, बड़ा खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत जगह थी। आप भी देख रहे हैं अभी, यानी कि अंदर की हमने हॉल की नहीं बनाई थी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लिया था क्लिप यहाँ से। तो हमारी आज की वीडियो यही थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सारा मिक्स ब्लॉग था, दोहा से पाकिस्तान तक, और पाकिस्तान के छोटे छोटे ड्राइवर। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ अच्छी सी किसी जगह की वीडियो बनाएंगे, और फिर दोबारा आपके पास आएंगे इंशाल्लाह ताला। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। आ जाना।